बिन कागज की चिट्ठी के मजमून कुंवारे रह जाते। एक स्टेटमेंट होता था ना कि लिफाफे का कलर देख करके लोग मजमून भाप लेते थे, तो उसी पे कि बिन कागज की चिट्ठी के मजमून कुंवारे रह जाते, उन शब्दों को छूने के एहसास हमारे रह जाते। वो कागज की चिट्ठी भी अनमोल हुआ करती थी, वो कागज की चिट्ठी भी अनमोल हुआ करती थी, हर लम्हा गुजारा है अंदाज बयां करती थी। कितनी रातों से मैं सो न सका जानी, कितनी रातों से मैं सो न सका जानी, वो कागज की चिट्ठी हर राज बयां करती थी। उस कागज की चिट्ठी में क्या क्या चीजें होती थी और कितना हमें पॉजिटिव करती थी कि वो बाबा दादी के आशीष के स्वर होते थे, हर एक अक्षर में भी सौ ग्रंथ लिखे होते थे, हर बात बयां होती थी जज्बात बयां होते थे, उस नन्ही चिड़िया के भी उल्लेख हुआ करते थे। और एक बार चिट्ठी यहाँ से चलती थी और नेक्स्ट 15 दिन के बाद जब एक हफ्ते बाद वहाँ पहुँचती थी और उसका आंसर जो आता था वो 15 दिन बाद आता था, तो उस टाइम तक का इंतजार जो होता था कि हर दिन होता था फिर इंतजार उस डाक के आने का, हर दिन होता था फिर इंतजार उस डाक के आने का, डाकिए की वो साइकिल वो घंटी बजाने का। तेरी चिट्ठी आने की, तेरी चिट्ठी आने का था इंतजार सबको, तेरी चिट्ठी आने का था इंतजार सबको, हर गली मोहल्ले में था तुमसे प्यार सबको, हर गली मोहल्ले में फिर जश्न जो होते थे, तेरे कागज की चिट्ठी हर हाथ को छूते थे, हर बात लिखी होती थी जज्बात लिखे होते थे, हर रिश्ते के अपने एहसास लिखे होते थे। और चिट्ठी जब पढ़ी जाती थी तब क्या होता था कि एक होठ हिला करता था हर आँख ही गीली हो जाती, एक होठ हिला करता था हर आँख ही गीली हो जाती, कोने में खड़ी लड़की मीठे सपनों में खो जाती, तेरे आने की थी खबर सारा माहौल सुहाना हो जाता, मजमून तुम्हारा पढ़कर हर शख्स दीवाना हो जाता। ये कागज की चिट्ठी, थैंक यू।